एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाटा या आंकड़ों के बजाय कोई गुणवत्ता या क्वालिटी इंफॉर्मेशन होते हैं और आउटपुट की भी गुणवाचक ही प्रदान करते हैं। कंप्यूटर भी इनपुट के रूप में ऐसी चीज़ों का ग्रहण करता है जो मुख्य रूप से भौतिक शक्ति होते हैं, जैसे ताप, ऊर्जा, दाब, गति, आयतन, प्रतिरोध इत्यादि का प्रयोग डाटा इनपुट के रूप में भी किया जाता है। अब है डिजिटल कंप्यूटर। आजकल डिजिटल कंप्यूटर अधिकतर स्थानों पर पाए जाते हैं और इस क्षेत्रों में, इस श्रेणी के कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाटा आंकड़ों के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिला जुला रूप होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर इनपुट के रूप में कोई भी सूचना दी जाती है तथा सूचना आंकड़ों में बदल कर दिखाई जाती है तथा आउटपुट भी एनालॉग के साथ डिजिटल भी होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग मशीनों, कारखानों आदि में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर आकार में भी बहुत बड़े होते हैं तथा इसकी गति भी बहुत अधिक होती है, विलक्षण होती है। इनमें समानांतर प्रोसेसिंग की भी क्षमता होती है जिसमें एवं अलग अलग चरणों में करने के बजाय एक साथ की जाती है, अतः यह एक सेकंड में करोड़ों अनुदेशों का पालन कर सकता है। ये कंप्यूटर अत्यंत महंगे होते हैं।